तभी जो लंच बॉक्स लाए थे वही खोल रही है, अभी खाना खाने लगी है। ले चाबी है, मैं बांध ली खोटली में, जाता नहीं सजा। लोग निकल रहे हैं, बाप रे, ये तो चिन्हाते नहीं कि मार जाना। काजल तो हैप्पी है लेकिन मैं डिप्रेस्ड हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। एंड स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग वीडियो पर बने रहेगा, आशा आप सब बने रहेंगे। उसके लिए आप सभी को पहले से यहाँ जुड़ बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, पूजा वूजा हम अभी कर उड़ लिए हैं और काजल अभी नहा ली है, देख सकते हैं। और मैं भी नहाने वाला हूँ। एक्चुअली हम सरस्वती माता के विसर्जन से आकर अभी तक नहाए नहीं है, टाइम ही नहीं मिला, कुछ काम में बिजी थे और रात के समय ठंडा लगता है थोड़ा। तो अभी नहाएंगे और नहा के हम कहीं जाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे ब्लॉग के वीडियो के साथ बने रहिएगा। कहाँ जा रहे हैं वो आप सबको पता चलेगा, है ना? तो चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मानसी, मानसी इधर आओ, इधर आओ बेटा। क्या नहीं है आपके पास, क्या चाहिए? है उसी टाइम से मेरे को कह रही है पापा ड्रेस नहीं है, तो फ्रॉक नहीं है, अच्छा ड्रेस नहीं है, सब छिया है, ऐसे ऐसे कर रही है। ड्रेस नहीं है आपके पास, फ्रॉक भी नहीं है, दूसरा फ्रॉक खरीदोगी? बाप रे बाप रे, अभी इतना तो काजल भी कभी नहीं मेरे से कंप्लेंट की है कि मेरे पास कपड़ा नहीं है तो फ्रॉक नहीं है, ये नहीं। मानसी कंप्लेंट कर रही है कि पापा फ्रॉक नहीं है। वाह, तीसरा था कल इसके पास। अलवल बना लिया काजल और जा रही है अभी कहाँ है? खाना खाना बनाने जा रही है। और चलिए हम चल रहे हैं नहाने। मानसी भी नहाएगी? मानसी नहाओगी ना? मानसी नहीं नहाएगी। उल्टा जूता चप्पल पहना लेता। तो अभी देख सकते हैं साग लाए हैं उस वाले घर से। ये है गेनरी का साग, नहीं पालकी का साग, पालकी है ना? पालकी और एक दो बथुआ है, बथुआ बोल रहे थे देने के लिए, हम नहीं लाए, काजल मना कर दी साग बाद में। और ये है गोभी भी लाए हैं, तो ये बोआ हुआ गोभी है, रोपा हुआ घर का, तो काफी अच्छा लगता है। हाँ तो ये घर उस वाले घर से लाए। और अभी बनेगा हमारा साग का सब्जी, है ना? और रोटी। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी चलना है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों। हाँ। क्या हुआ बेटा? खुल गया। तभी मानसी को 10 रुपए का डेयरी मिल्क लाए हैं, तो मानसी उसी टाइम से इतना खुश है, पहले डांस की फिर आके बाहर खोल रही है, और खुलने के बाद रिएक्शन देखो। पानी गर्म करने के लिए हम ले जा रहे हैं ना, तो काजल देखो कैसे डांट रही है, कह रही है गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे। हाँ आजल अभी रेडी हो रही है उसी टाइम से, क्या करेंगे करना, तो अभी लंच भी पैक करना पड़ेगा हमें, पैक कर लिए कर लो, तो अभी लंच बॉक्स भी पैक कर लिए हैं, खाना ले जाना पड़ेगा। तो अभी कुछ नहीं बताएंगे, चलिए बताते हैं आगे, है ना? टाइम से काजल रेडी हो रही है, देख सकते हैं। और ये टी शर्ट बताइए कैसा है, ये हमने गिफ्ट किया है काजल को। चलो कितनों करबू जादू टोना मुहवा बनाई के पड़ी, देखिए दोस्तों कितना देख के चलो, मुंह बांध के चलो ताकि कोई रास्ते में देखेगा नहीं। चलो कल लिपस्टिक लगा ले बदी, चल चले हम। देखिए दोस्तों लिपस्टिक ना, जब हमारा चैनल एक दो दिन हुआ था स्टार्ट किए, तो गए थे हम अट्टा मार्केट, वहां से लाए थे मेट का लिपस्टिक, तो नोएडा, वही आज तक चलता। लंच ओके ले चल जाइए। तो ये देख सकते हैं, ये है टोकरी काजल का, मेकअप टोकरी। और ये है हमारा लंच बॉक्स जो कि वहाँ खाएंगे। चलो यम्मी यम्मी नाश्ता, मेरे साथ जाएगा अनुज। तो चलिए अभी तीनों लोग निकलते हैं, अभी खाना खा लिए, थोड़ा सा बचा था ना, तो डॉगी को लगाए हैं उधर, ये ले जाए, खुद से ही लगाई हैं। लोग निकल रहे हैं, बाप रे, ये तो चिन्हाते नहीं कि मार जाना वो बारह। हाँ तो अच्छा के खरीद ले, बताए बता नहीं, हम खरीदे हैं जबरदस्ती, रील्स वगैरह कभी कभी शूट कर लेते हैं ना। तो चलिए चलते हैं भाई, तो केवाड़ी में पापा बंद कर रहे हैं और बनन करके चलते हैं। और मानसिक को वहाँ पहुँचा दिए, आई थी बबनी लेके चली गई है, क्योंकि वो क्या पिचाऊर होगी, जाओ आओ लेके, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, बेकार में परेशान होगी, यहाँ रहेगी तो आप अपन अच्छे से खेलेगी, खाएगी अच्छे से रहेगी, पड़े उड़ेगी। ये कहाँ गई? ये दे दी जी, नीचे बैठल बानी।
अच्छा ठीक या हल्ली चाबी है मैं बांध ली खोटली में आ जाता नहीं सो जल्दी आए सुना जल्दी आई हेलो देख रहे को कुछ सामान ना ले जाओ मना कर दे ये जबानी हाय जा रहे हां ताला मार दे हेलो ताला मार के चाबी बा हां नहीं सब देखत रह ध्यान से बबनी घर है भी आई कह के ले साझ ले आई बोल देख जल्दी आ जाम सो 2-3 बजे ले आ जाम सो चलो ठीक बा जा तन सो तो अभी आ चुके हैं हम लोग जहाँ पे आना है आओ का तो गर्म हो ही ना इंजन चेक कर रही है बाइक का गर्म हो गया अभी आए हम ग्लेम स्टूडियो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे तो करना क्या है ना काजल का जो बाल है ना ये थोड़ा सा कहीं भी जाते हैं तो गांव में आप लोग समझ सकते हैं लोग कैसे देखते हैं इसलिए जल्द से जल्द हम लेके जाते ही नहीं डर के मारे लोग ऐसी तरह से धो धो के इसका कलर जल्दी से उतर आते तो आप लोग को भी ज्यादातर कमेंट यही था कि ब्लैक करवा लो इसलिए आए हैं ब्लैक करवाने काफी अच्छा लगेगा है ना चलो करा लो देखिए आते ही बोली थी कलर कराना है और देखिए क्या करा रही है आईब्रो बनवाने लगी हम बनवा लिखा जल आईब्रो अच्छा लगा था तो अभी देख सकते हैं काजल का बाल जैसे था वैसे ही हो गया है अब हमको बहुत खुशी हो रहा है अब अच्छा लग रहा है मतलब नेचुरल ही हो गया है जैसे था अच्छा लग रहा है ना हम एक बात बताएंगे घर पे चल के आप लोगों को जो हमारे साथ हो रहा था जाइए ना पहले तो अभी देख सकते हैं काजल का फाइनल लुक दिखाओ काजल अच्छा लगा था फाइनल लुक है देख सकते हैं अच्छा लग रहा है अब पहले जैसा होगा दोस्त अच्छा हाँ ये तो एक बार धोएगी तो हो जाएगा सही क्योंकि ऐसा एक भी बार नहीं कराए ना खाली सीधा सीधा कराए तो सोचे एक बार नोएडा में किए थे तो हमको अच्छा नहीं लगा बोले भाई जैसा था हाँ नोएडा वाला ब्लॉग में ऐसे ही तुरंत बोलने लगे भैया जैसा था वैसे ही कीजिए जल्दी मेरा वो बेचारा इतना मेहनत भी किया फिर लास्ट में नहीं कर किए थे 3 लोग मिल के अब फिर वैसे ही करा ली और शिवम भैया थैंक यू धन्यवाद आपको काजल का बाल रिटर्न देने के लिए अभी इनको भी क्रेडिट दे दीजिए हाँ हाँ इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने ही सारा मेहनत किए हैं और अभी सिंदूर लगा रही जिनको भी कोई सर्विस कराना होगा ग्लैम स्टूडियो सिवान में सिवान। चौक के पास आ सकते हैं हाँ फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा मतलब आप लोग को हर तरह का सर्विस हाइड्रा फेशियल हो गया एक बार आके हमारे सैलून विजिट करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा जो कलर चाहिए आपको जैसा स्टेट चाहिए आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा ग्लैम स्टूडियो जेपी चौक सिवान 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 तो अभी अनुज का भी ये देख सकते हैं बाल तो अभी मिस्टी कुछ करा कर दिए फाइनल टच सिंदूर लगा के आपस में थोड़ा बंगाली स्टाइल में लगा दी ज्यादा करके ना बंगाली है ना मिस्टी इसलिए गुस्सा हो बंगाल में ज्यादातर मछली खाते हैं ना हम भी बिहार के हैं तो बिहार का ही पक्ष लेंगे ना हम भी तो बिहार के ही हैं हाँ तो इसलिए तो आपका पक्ष ले रहे हैं काजल हैंड वॉश कर रही है बेसिन में भी तो जा सकते हैं अंदर शॉर्टकट अभी खाना खाएगी काजल तो अभी जो लंच बॉक्स लाए थे वही खोल रही क्योंकि ना ये काजल बाहर का खाना नहीं खा पाती पिछली बार आए थे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा फिर भी हाँ तभी खाएंगे यहाँ पे खाना और बोले थे भैया मंगाने के लिए खाना लेकिन हम मना कर दिए क्योंकि बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता खाने इसलिए खाओ खाओ जल्दी जल्दी फिर चलते हैं हाँ खाना भूख नहीं है खा कल बन ये रोटी है घी लगा रोटो का अरे और भांजी लाए भांजी नहीं भाजी स्टार्ट खा लो खा लो अभी खाना खाने लगी है खा लो जल्दी से खा लो बॉयल कर
तो दोस्तों अभी हो गया है सब कुछ, बाल काजल का सही हो गया है, तो अभी चलते हैं घर पे और अनुज का भी जो कराना था वो भी करा लिया है। घर सारा कुछ हो गया दोस्तों, हम लोग घर जा रहे हैं और बाल मेरा पहले जैसा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है बताइए। मानसी को छोड़ के आए ना और ज्यादा काम नहीं तो उसको लेके इसलिए मैं दूर पड़ता है बहुत ज्यादा, तो घर को चलते हैं। तो चले तो चले, बहुत अच्छा लगा, काजल का जैसा बाल था वैसे ही करा दिया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हेलमेट लेना है तो हेलमेट लेने के लिए आए हैं दुकान पे, देखते हैं कौन सा हेलमेट लेना है क्योंकि हेलमेट बहुत जरूरी है ना। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं मीरगंज में, अभी रुके हैं, कुछ सामान लेना है। का लगी हवा मारा है ना, हवा इसलिए। अनुज तो भाई साहब क्या बात है, ये दोस्तों हमें फ्री ऑफ कॉस्ट था इसलिए हम चले जाते हैं, है ना। और हमारा हेलमेट कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट में, ऐसा सीधा डाउन कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत दिन से हम सोच रहे थे, है ना कदम, हेलमेट तो ले लिया, अच्छा लगा था ना। देखो दोस्तों दिन भर हमारे पास नहीं थी, फिर दीदी छोड़ के गई तो रोने लगी, दीदी घर जाओ ये घर नहीं है, बताओ कहाँ जाओगी। उधर हम जाने की हमारा खाते रुआ तो है ना हमारे बाबू, देख जा भाई हम लगन मत रहा, मैं मम्मा नहीं हूँ, ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, आओ बेटा आओ। भैया के साथ जाना, भैया के साथ जाना, ठीक है चलो चलो आओ दीदी के पास चलो चलो लल्ला रे लल्ला, और क्रेजा का दे इतना, पापा देनी है 50 रुपया हमरा के, तो देखो सेंट तोने के 40 रुपया तू कर ले ली अपना क्रेजा कट कहे लल्ला जाए ए ना जाए ना बाबू नहीं रोती नहीं जाएंगे भैया यहीं रहेंगे, ठीक है भैया उधर गए अभी, तो जस्ट अभी दोस्तों आ गए हम लोग घर पे, बाहर बैठे हैं, दादी चाबी लेके गई है और चाबी अभी नहीं है दादी के पास है, तो अभी दादी को बुलवाए हैं तो आ रही हैं, उधर गई हैं। क्या बेटा तो खोलेंगे गेट, है ना क्या भैया जाए, भैया भैया जाए और मैं कौन हूँ बेटा, पापा, ये कौन है, ये मामी, तो फिर भी हम लोग को छोड़ के क्यों जा रही हो, पापा चॉकलेट लाते है ना, भैया ले जाओ, भैया नहीं जाओ, भैया ले जाओ ना। और ये ना दोस्तों हम लोग आ रहे थे ना तो थोड़ा बहुत ठंड जैसा माहौल था, तो मिष्टी जो है ना उन्होंने दिया था ये कि अपना ये ब्लेजर, हाँ ये ब्लेजर दे दिए थे कि आप पहन के जाइए क्योंकि वो लोग भी आने वाले हैं या फिर हम ही कभी जाएंगे उधर, तो दे देंगे, सोच रहा है कि अगर रहेंगे तो यहाँ बुलाएंगे क्योंकि अकेले हम, हाँ ये पहने और ये हमारा दोस्तों हेलमेट, आप सबको कैसा लग रहा है, हाँ, ये काफी मेरे ख्याल से ना ये देख सकते हैं ये एयर के लिए है या फिर हॉर्न वगैरह, जैसे पीछे से कोई हॉर्न मारेगा ना तो अंदर बाहर की आवाजें आती है, अंदर एक होता है ना चारों तरफ से पैक हो जाए तो फिर नहीं हो पाता है, और ये देख सकते हैं ये काफी मोटा इसमें रुई गद्दा दिया है ना, और ये इसका लॉक भी है, लॉक भी काफी बढ़िया है, तगड़ा है, और ये इसका शीशा काफी क्लियर दिखाई दे रहा है अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो है ना ये ऐसा दिख रहा होगा जैसा टूटा जैसा, ये टूटा नहीं है, ये अंदर से ही है ऐसे ही, और वेगा है ये, और इस एक और चीज दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं ये वेरीफाइड है तो काफी अच्छा है, मतलब ये पास हो गया है टेस्टिंग में, और ये हमें काफी कम प्राइस में मिला वैसे देखे तो, क्योंकि ऑनलाइन देख रहे थे ना हम तो काफी महंगा बता रहा था, और ये लिए थे हम तो 1100 बोले थे और 1050 में दिए, यानी 50 रुपए छोड़े, सेफ्टी में कोई मरम्मत नहीं, हाँ सेफ्टी में कोई मरम्मत नहीं, तो ये चीज के लिए आप सब भी बहुत ज्यादा हमें कमेंट करके बोलते थे तो हमें थोड़ा सा आज याद आया तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं, है ना, पहले ये रहेगा सेफ, पहले शरीर रहेगा जान रहेगा तो बहुत सी चीजें है ना, तो ये ले लिया। और आप सबका एक और कमेंट आ रहा था यूट्यूब का पेमेंट आया कि नहीं, तो दोस्तों यूट्यूब का पेमेंट हमारा जिस दिन हमारा वो व्लॉग डाले थे ना उस दिन ही आया था शाम को,
और आया भी और ले जाकर हम लोग, पर सबसे पहले सोचे कि पहले बोझ जो है सर पे वो 25 तारीख को उनको हम डेट देते हैं और ऐसे हाँ। बहुत अजीब लगता था बार बार फोन करके बोल। हाँ तो हमने मटेरियल वाले को जो घर में मटेरियल लगा था ना उनको दे दिए और कुछ पैसे खाने पीने के लिए रखे हैं है ना हाँ। और उसी में से लिए थे ये 1000 का। तो आप सबको बताइएगा हमारा हेलमेट कितना प्यारा कैसा लगा। 40-50 मानसी में उठा था, एक चिप्स हम लोग खाए थे बस और कुछ नहीं। मानसी सारा चॉकलेट खा जाएगी, मैं नहीं दूंगा आपको। नहीं माई चॉकलेट, आपका चॉकलेट है। मानसी पापा को याद कर रही थी, मामा का भी याद कर रही थी। आपसे कौन प्यार करता है सबसे ज्यादा बेटा? भैया यहाँ है। बेटा आपसे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? दोनों, पापा मम्मी दोनों। फिर भी पहले पापा तब मम्मी। तो दोस्तों वहां पर बोले खाने के लिए तो दोनों आदमी में कोई नहीं खा रहे थे, फैशन भी देखो आके टूट पड़ेगा। आज आ गया है तो बोल रहे आ गया, मैं जाके खाइएगा तो बोले पहले इसको खाने दीजिए फिर आगे। इनविटेशन है गांव में। तो मस्त घी लगा के ले गए थे रोटी और बहुत साग वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग और यह है नेक्स्ट डे, आप सभी का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और बताओ, और अभी हम खाना वाना सारा कुछ बना लिया, 8 बज रहा है, 5 बजे उठ गए थे। और आप सबका कमेंट आया था जिससे हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए कल वाले वीडियो में। काजल तो हैप्पी है लेकिन मैं डिप्रेस्ड हो गया। आप सब देखे होंगे कि हर वीडियो में हर क्लिप में मेरा लास्ट में हंसी आ ही जाता है, चाहे हंसने वाली बात हो या ना हो, हमेशा हंसता ही रहता हूँ। मेरा आदत ही है मुस्कुराने की, मतलब आपसे प्यार नहीं करते बताओ, तो वो मेरा आदत है हंसने की। मेरा कितना भी दुख हो ना तब भी मेरे मुंह से हंसी ही आता है हल्का हल्का, तो इस बात से ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि हम मतलब काजल कास्ट से कोई प्रॉब्लम मेरे को, या फिर काजल का काजल रोती है तो मैं हंसता हूँ अभी हंसी आ रही। तो माफ़ कीजिएगा, दिल से सॉरी चाहते हैं क्योंकि आप सभी को हर्ट हुआ हो मेरे वजह से। तो बाकी मेरा आदत ही है मुस्कुराने का। अब हर ब्लॉग के हर क्लिप में देखिएगा लास्ट में हंसी देता हूँ बिना हंसने वाली बात पे, इस बात पे कमेंट भी आता है, तो ये थोड़ा सा मेरा ही प्रॉब्लम है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। और काजल रो रही थी इस बात से कि मैंने इनको बोल दिया था ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्योंकि पैसे जोड़ना नहीं आ रहा था। जोड़ना नहीं, पैसे रख देती तो याद नहीं आता है पैसे कहाँ रख दिए। पैसा ऐसे भी रख देगी ना घर में तो याद नहीं आएगा जाते समय कहीं कुछ खरीदना हो या फिर कुछ भी, तो कहेगी यहीं रखी थी वहीं रखी थी, और ढूंढती रहेगा रखी हुई कहीं और। तो इसलिए मैंने बोल दिया था, वो तो मजाक पति पति मतलब मजाक नहीं होता, मजाक से छीन आ रहे थे, तो इसके लिए ये रोने लगी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो उसके लिए भी सॉरी। दोस्तों अभी खाना पीना सभी लोग खा लिए हैं, ये अभी खा लिए हैं, और अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। एंड कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, आप सब हमारे फैमिली की तरह हैं। तो चलिए दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।